पनीर और पाव भाजी ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट है, तो आज हम बनाएंगे पनीर पाव भाजी। सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना है। क्यूब पनीर में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी डालनी है हमें। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। अब हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे हम और थोड़ा सा नमक। अच्छे से मसालों से कोट होने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू का एक्सट्रैक्ट। हमने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून नींबू का एक्सट्रैक्ट लिया है और इसे हम मैरिनेट करने के लिए अभी 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पनीर अच्छे से मसालों से कोट हो गया है, अब हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तवे पे ऑयल डाल के। तो चलिए बनाते हैं अब हम पाव भाजी। गरम तेल में हमें फाइनली चॉप प्याज डालना है, उसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून जीरा और धनिया का पाउडर, 2 लौंग। हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप शिमला मिर्च। हमें इसे एरोमेटिक होने तक अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, इसे काफ़ी एरोमेटिक होता है। 1-2 मिनट के लिए हमें इन मसालों को अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। मैंने 3 से 4 टमाटर को ब्लेंड कर लिया है, उसका पेस्ट इसमें डाला है। आप चाहो तो बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हो, लेकिन पेस्ट की वजह से इसको काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल आने तक कुक करना है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसकी वजह से इसको काफ़ी अच्छा कलर आएगा, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड मैश्ड आलू, हमने यहाँ पे 5 से 6 आलू लिए हैं। हमें इसे अच्छे से कंबाइन कर लेना है। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मटर, आपको जो कोई भी सब्जी पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हो। हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है और फिर मैशर लेके अच्छे से मैश करना है। ये अच्छे से कुक हो गया है, इसे बॉईल आना स्टार्ट हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मैरिनेटेड रोस्टेड पनीर। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ये ऑप्शनल है लेकिन इसकी वजह से इसको काफ़ी अच्छा चटपटा टेस्ट आता है। बिल्कुल रेडी हमारी फ्लेवरफुल पनीर पाव भाजी, हम इसे धनिया डालकर गार्निश कर लेंगे। इसे ज़रूर बनाइए और आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।